तो आकिब भाई बहुत बहुत स्वागत है, फाइनली बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ गए। ओह माय गॉड, क्या कहोगे भाई? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये 1998 में फिल्म आई थी, 1998-99 में गोविंदा सर और बच्चन साहब इसमें काम किए थे, और सेम डायरेक्टर जो था, खाली फ़र्क हो गया है, यहाँ अली अब्बास जफर है और वहाँ पे थे डेविड धवन, लेकिन जो प्रोड्यूसर थे वाशु भगनानी, वो उस फिल्म के भी थे प्रोड्यूसर, और इस फिल्म में जैकी भगनानी है इनके साथ में, जो यंगिस्तान सुनोनो संगे मरमर फालतू मूवी उन्होंने की थी। अब देख सकते हो यहाँ पे दोनों तरफ, एक तरफ बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार, और एक तरफ हमारे इंडियाज़ के रियल एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ, जिनको हम देखे थे भी लास्ट की फिल्मों, दोनों की फिल्में ऐसा हो गया है कि जैसे चल नहीं रही है, पर लेकिन मैं ऐसा एक होप रखा हूँ कि इस बार ईद पे ईद ही मिले या ना मिले, बट अक्षय सर इस बार सुपर हिट मिलना चाहिए आपके फैंस को, क्योंकि आपकी आफ्टर सूर्यवंशी अगर कोई सुपर हिट मूवी है तो वो है ओ माय गॉड 2, जो कि महादेव के ऊपर आपने बनाई थी, जो किरदार किया था वो समझो हिट हो गए। वो उसको पंकज त्रिपाठी को मिलेगी, ठीक है यार, होता है यार, मतलब वो तो खिलाड़ी है यार, मतलब हो जाएगा, क्योंकि उनको जहाँ तक का हमने एक्शन करते हुए देखा तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी समथिंग, ऐसी बहुत सारी उनकी खिलाड़ी सीरीज़ है, खिलाड़ी 786 है जहाँ पे उनका वो एक्शन देखने को मिला। सॉरी, तो मैं ये कहना चाहूँगा इन अक्षय सर से कि जिस तरह की वो या तो कॉमेडी जो करते हैं उसमें भी वो बहुत बेस्ट करते हैं, या फिर एक्शन करते हैं तो ऐसा एक्शन करते हैं कि रात में सोते सोते उनके फैंस भी एक्शन करने लग जाते हैं, ऐसा उनका एक्शन होता है। तो यहाँ पे जो उनकी एंट्री है, सबसे पहले तो पृथ्वीराज सर के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जो अभी हाल ही में सलार में आके गए हैं बॉक्स ऑफिस हिला के, और यहाँ पे भी विलन के रूप में आया, और वो जो विलन के रूप में आके जब बोल रहे ना कि मैं हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा, हु विल स्टॉप मी, तो फिर पीछे से आवाज़ आती है बोले टाइगर सर की, दिल से सोरजल दिमाग से शैतान है हम, फिर अक्षय सर बोलते हमसे मत उलझना क्योंकि हिंदुस्तान है हम, अरे दिल जीत लेते भाई वहाँ पे। और जो एंट्रेंस है, प्लेन जाता है जब ऐसा खड़े रहते, माय गॉड माइंड ब्लोइंग सीन है, और पहली बात तो दोनों आपस में आके एक्शन कर रहे, बहुत मज़ा आएगा देखने में। वही मैं कह रहा हूँ कि इस बार ईद पे ईद ही ना मिले, बट सर आपकी से सुपर हिट चाहिए हमें, क्योंकि आप बॉक्स ऑफिस के रियल खिलाड़ी थे, हो और रहोगे, यानी देन नाउ फॉर एवर यू आर रियल बॉक्स ऑफिस का खिलाड़ी। चलिए एंड में जाते जाते रेटिंग क्या मिलेगा? टीज़र माइंड ब्लोइंग है, पर अभी सिर्फ टीज़र देखा है मैंने, तो टीज़र को मैं 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा, और जब ट्रेलर आएगा पूरा कटिंग होगा, क्योंकि देखो डायरेक्टर कौन है जिन्होंने सुल्तान, सलमान भाई, टाइगर जिंदा है, जो आज तक जिंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा, मतलब अली अब्बास जफर ने तो दिखाया भी था भाई को शर्टलेस, मनीष शर्मा की तरह नहीं किया था उन्होंने, चीटिंग की है हमारे साथ सलमान भाई ने इस बार मे बी, और ब्लडी डैडी शाहिद कपूर के साथ की थी जियो पे, तो हमको पूरा भरोसा है जफर पे कि वो सर यहाँ पे जफर सुपारी की तरह ही आएंगे और हिला के जाएंगे बॉक्स ऑफिस को ईद पे, तो अब देखते हैं मे बी क्या होता है, ट्रेलर आएगा तो उसके ऊपर मेरा हॉनेस्ट एक रिव्यू आएगा, देन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीजर आ गई है, आपको कैसे लगे सब सर? ओ BMCM ऐसा बोलते थे, मैं पहले मैं BMC पढ़ा, M बाद में पढ़ा ही नहीं था मैंने, हाँ तो BMCM शॉर्ट में बोल रहे फिल्म में, और अच्छा लगता है। जैसे DDLJ आई थी, वो भी एक नया ट्रेंड निकला था, हाँ दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे, इतना लंबा कोई नहीं बोलता था, और इसको भी इतना लंबा कोई बोलेगा नहीं, BMCM ही बोलेगा, हाँ तो BMCM ही ठीक है। और भाई दोनों क्या बोलते हैं एक्शन हीरो, और दोनों एक्शन हीरो, और सबसे बड़ी बात तो भगनानी साहब है, बहुत दिन के बाद वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को, और फिल्म के अंदर तो एक्शन भी होगा, और फिल्म के अंदर खर्चा भी किया होगा, और फिल्म के अंदर कंटेंट भी अच्छी होगी, तभी तो आदमी प्रोड्यूस करता है, इतना पैसा लगाता है, जुआ है ये फिल्म बनाना, बड़े तो बड़ा जुआ है, और उसके अंदर बड़ी फिल्म बनाना तो बड़ा जुआ है। और फिल्म के अंदर तो एक्टर अक्षय कुमार भी अच्छा है और टाइगर भी अच्छा है, भले ये मूवी ईद पे आ रही है, और ईद में हमेशा सलमान खान आते हैं, अक्षय कुमार आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार ईद कितना मिलेगा पाजी को? ए कैसा है, हर टाइम पे हर एक का एक टाइम नहीं होता है, हर एक का टाइम चेंज होता है, कि इसमें कोई ये नहीं कि भाई सलमान नहीं ले ला रहा है फिल्म तो ये ला रहा है, इसका वो मतलब नहीं है भाई, इस त्यौहार में इसको चांस मिला, इसने अपनी पिक्चर रिलीज़ किया, अगर उसकी फिल्म होती तो वो रिलीज़ कर देता, मतलब आप एक्साइटेड बड़े में छोटे में? ना ना वो परफेक्ट भाई, 100% एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो फिल्म तो बड़ी बजट की है और बॉलीवुड की फिल्म है, तो इसका हम तो देखेंगे जरूर उसको। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद।